नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। बड़ी खबर छतरपुर जिले से, जहां पर प्रशासन की एंटी माफिया कार्यवाही सवालों में घिर गई है। मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने माफियाओं को सबक सिखाने के निर्देश देने के लिए एंटी माफिया ऑपरेशन की शुरुआत की थी और पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देशित किया था कि बड़े माफियाओं पर कार्यवाही की जाए। लेकिन माफियाओं की इस कार्यवाही से खुद को बचाने के लिए और इस आदेश का पालन करने के लिए छतरपुर का प्रशासन कागजी खानापूर्ति करता नजर आ रहा है। जिला प्रशासन की टीम ने छतरपुर में सटे रोड स्थित दुर्गा कॉलोनी में गरीबों के झोपड़े पर बुलडोजर चलाने की कोशिश की, जिसके बाद क्षेत्रीय विधायक आलोक चतुर्वेदी ने इसका जमकर विरोध किया है। पहले जिसने हमें, मुझे अंदर नहीं आना, मैं जनता का आदमी हूँ, जनता के बीच में रहूंगा। जब मैं रोक के आया हूँ, एक आदमी नहीं हिलेगा वहाँ से। लेकिन ये नहीं, मैं नहीं आऊंगा। मुझे एक बात बताइए कि बिना मुझसे पूछे कार्रवाई कैसे हो रही है मेरे क्षेत्र में। सरकार ने आपसे कहा है कि माफियाओं पे कार्रवाई करिए, गरीब आदमियों पे कार्रवाई नहीं करिए। ये कौन सा तरीका है? मुझे किसी से बात नहीं करनी है। ये माफिया है, ये माफिया है आपके? आप फोन भी नहीं उठा रहे। एडीएम छतरपुर प्रेम सिंह चौहान और एसडीएम अनिल सपकाले के नेतृत्व में प्रशासन की टीम सोमवार को छतरपुर के सटे रोड स्थित दुर्गा कॉलोनी पहुंची। दुर्गा कॉलोनी वही इलाका है जहां पर बहुत सारे गरीबों के मकान बने हुए हैं। कथित तौर पर यह सरकारी जमीन है जिसे कुछ भू माफियाओं ने मिलकर इन लोगों को सस्ते दामों पर बेचा था। दुर्भाग्य की बात यह है कि सस्ते दामों पर यह जमीन खरीदने वाले गरीब लोगों को नगर पालिका ने टैक्स की रसीदें थमा दी, बिजली विभाग ने बिजली के कनेक्शन दे दिए और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इन्हें मकान बनाने के रुपए भी मिल गए। अब जब गरीब लोग इन प्लॉट्स पर अपने मकान बनाकर रहने लगे तो एंटी माफिया अभियान के तहत इन गरीबों को इस सर्दी के मौसम में बेघर करने की कोशिश की गई। प्रशासन की टीम जब सटे रोड पर इनके आशियाने ढहाने पहुंची तो इसका जबरदस्त विरोध स्थानीय लोगों ने किया और जब इसकी सूचना छतरपुर विधायक आलोक चतुर्वेदी को मिली तो वे भी मौके पर पहुंचे। देखिए सबसे पहले उन्होंने मौके पर पहुंचकर किस तरह प्रशासनिक अधिकारियों को सबक सिखाया। जब मैं रोक के आया हूँ, एक आदमी नहीं हिलेगा वहाँ से। लेकिन ये नहीं, मैं नहीं आऊंगा। मुझे एक बात बताइए कि बिना मुझसे पूछे कार्रवाई कैसे हो रही है मेरे क्षेत्र में। सरकार ने आपसे कहा है कि माफियाओं पे कार्रवाई करिए, गरीब आदमियों पे कार्रवाई नहीं करिए। ये कौन सा तरीका है? मुझे किसी से बात नहीं करनी है। माफिया है, ये माफिया है आपके? आप फोन भी नहीं उठा रहे। अब यहाँ रह रहे उन लोगों की बात भी सुनिए जो इन मकानों में रहते हैं और सर्दी के इस मौसम में इन्हें बेघर करने की कोशिश की जा रही है। वो बता रहे हैं कि कैसे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन्होंने अपने मकान बनवाए और अब सरकार ही उनके मकान तोड़ने पहुँच गई। अचानक आए वो मकान तोड़ने लगे। अब जनता कहाँ जाए, ठंडी का मौसम है, छोटे छोटे बच्चे हैं, गरीब आदमी रोज काम कर रहे हैं, रोज ला रहे हैं, आटा पीसना है, खा रहे, बना रहे, ये क्या है तरीका? और अब हम कहाँ कहाँ, कौन कौन हो, सरकार हो पैसा देवे के, अधिकारियों हो पैसा देवे के, हम और अपने बच्चे। आप लोग घरों से क्या ये लटने के लिए निकली पत्थर? क्या करें, क्या उपाय है? जब दिल्ली सरकार ने खुद कानून निकाला है कि कोई भी अगर सरकारी मकान, सरकारी जमीन में भी मकान बनाता है तो वो गिरेगा नहीं। इस मामले में एडीएम प्रेम सिंह चौहान का बयान भी आया है। उन्होंने विधायक के द्वारा कार्यवाही रुकाने के बाद भी कहा है कि ये कार्यवाही जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि जब अतिक्रमण हटता है तो कुछ लोगों को परेशानी तो होती ही। देखिए, शासन के और माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं कि जितने भी माफिया लोग हैं जो या तो शासकीय जमीनें बेच रहे हैं या बेच करके उन पर कब्जे करवा रहे हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित करके आज पूरा हमारा राजस्व अमला और पुलिस की टीम के द्वारा
ऐसे लोगों के विरुद्ध जो अवैध तरीके से शासकीय जमीन पे अतिक्रमण करके कब्जा किए हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हम लोगों ने प्रारंभ की है और ये कार्रवाई हमारी निरंतर जारी रहेगी। किस तरह की जगह परेशानी आई है, लोग व्याकुलित हो गए अतिक्रमण? परेशानी तो निश्चित है, अगर अतिक्रमण हटाया जाता है तो लोगों को तकलीफ तो होती है, उनको ऐसा लगता है कि मतलब हमारी जमीन को शासन जबरन छीन रही है, हमारा मकान जबरन गिराया जा रहा है, तो पब्लिक का विरोध रहता है, लेकिन उससे शासन प्रशासन को कोई फर्क नहीं पड़ता है, शासन मुस्तैदी से अपनी कार्रवाई कर रहा है, वो करेगा। क्षेत्रीय विधायक भी है सर, उन्होंने भी विरोध किया है, उनसे मेरी क्षेत्रीय विधायक जी से अभी कोई बात नहीं हुई है, वो क्या चाहते हैं इसकी मुझे अभी कोई जानकारी नहीं। अतिक्रमण हटाया जाएगा सर? बिल्कुल अतिक्रमण हटाया जाएगा, पथराव किया है, पब्लिक ने किया है, तो प्रशासन अपनी पूरी तैयारी में है, आगे भी इस कार्रवाई को सख्ती के साथ में पूरी करेगा। इस मामले में छतरपुर विधायक ने जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। छतरपुर विधायक आलोक चतुर्वेदी ने कहा है कि छतरपुर में कई ऐसे बड़े माफिया हैं जिनके खिलाफ कार्यवाही करने में छतरपुर का प्रशासन डरता है और कागजी खाना पूर्ति करने के लिए गरीबों के आशियानों पर बुलडोजर चलाने की कोशिशें अक्सर की जाती हैं। प्रशासन से मेरी चर्चा हुई और शासन का निर्देश है कि भूमाफियाओं के खिलाफ कार्यवाही करनी है। मेरा केवल इतना कहना था कि गरीब आदमियों को टारगेट न किया जाए, आप भूमाफियाओं के नाम पर उनको नुकसान न पहुंचाएं। मौके पर देखा यहां पर गरीबों के मकान तोड़े गए, उन मकानों को क्षति पहुंचाई गई बुरी तरह से और यहां विवाद की स्थिति निर्मित हुई। प्रशासन ने, मैंने जैसा कहा था कि उनकी आप जांच करें, नोटिस दें और उसके बाद कोई भी कार्रवाई करें, और उससे भी पहले शहर में बहुत बड़े मगरमच्छ बैठे हैं जिनके खिलाफ भू माफिया की कार्रवाई होनी चाहिए, ये गरीबों पर बाद में होनी चाहिए। अगर ये गलत हैं तो इन पर भी करें कार्रवाई। इनको ज़मीन किसने दी है, नगरपालिका का कनेक्शन कैसे है, नगरपालिका का टैक्स कैसे जमा हो रहा है, बिजली के कनेक्शन कैसे हो रहे हैं, कहीं ना कहीं हम दोषी हैं, प्रशासन कहीं ना कहीं दोषी है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि 70 कुटीरों के भी स्वीकृति है, तो क्या उस जब स्वीकृति आपने कुटीरों की दी है तब आपने जांच नहीं की? कहाँ से आप जब इस ज़मीन पर आपने कुटीरों की कैसे आपने स्वीकृति दे दी? आज आप कहते हैं कि ये अतिक्रमण है, तो पूरे मुद्दों की आप अच्छे से जांच कर लें, अगर जिस परिधि में आता है उस हिसाब से आप उस पर कार्रवाई करें। देखा जाता है कि गरीबों से ही शुरू होता है अतिक्रमण, वही शांत हो जाता है। ये तो नियति का खेल है और सबसे कमजोर आदमी पे हाथ डाला जाता है, बड़ों के साथ तो सेटिंग होती है। आज आपने किस तरह से प्रशासन को अल्टीमेटम दिया था कि पहले बुलडोजर हम चले, लास्ट में क्या हुआ, क्या कैसे प्रशासन से चर्चा? प्रशासन का कहना ये है कि 3-4 दिन में हम जांच कर लेंगे और जांच करने के उपरांत सारी उसके छानबीन करने के उपरांत दोषी व्यक्तियों के ऊपर ही कार्रवाई करेंगे और उसके तरीके से काम।